हरे कृष्णा। ये दर्शन जिस कुंड के आप कर रहे हैं इसको गहवर कुंड के नाम से जाना जाता है। ये बरसाना धाम के अंदर में स्थित है और चिकसौली और बरसाना गांव के बीच में पड़ता है ये स्थान। यहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की अष्ट सखियों के साथ बहुत गुप्त लीलाएं हुई हैं जिसको निकुंज लीलाएं कहा जाता है। और इस कुंड का प्राकट्य भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से किया था आज से 5000 वर्ष पूर्व। ये सामने ऊपर जो पहाड़ के ऊपर है इसको मयूर कुटी कहा जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण एक बार मयूर नृत्य करके राधा रानी को दिखाया था यही वो स्थान है। इसको मयूर कुटी के नाम से पुकारा जाता है। बरसाना के पास चिकसौली गांव के मध्य में पड़ता है ये गहवर कुंड। जल भी एकदम साफ है देख सकते हैं। साफ जल है इस कुंड का। जो मैं आपको दर्शन कराने जा रहा हूँ ये पहाड़ के ऊपर जो मंदिर देख रहे हैं बिल्कुल ऊपर चोटी का, इसको मानगढ़ का मंदिर कहते हैं। राधा रानी एक बार श्री कृष्ण से गुस्सा होकर के मान करके बैठ गई थी ऊपर जाकर पर्वत पर, तो उस स्थान पर आज के समय में ये मंदिर बना दिया गया है जिसको मान मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ के ऊपर स्थित है चोटी पर। ये देखिए कितना घना निकुंज वन है, ये पर्वतों के बीच में स्थित है।